सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मदर एंड बाकीला ब्लॉग्स। सो गाइस, मैं सुबह से उठी हूँ आज और मैं मदर को उठा के थक गई। तो मैंने मदर को लास्ट टाइम दी थी और मैं नमाज़ पढ़ रही जब तक तुम्हारे पास टाइम है उठ जाना, तो भी ये बंदा उठे नहीं है। वहाँ से हटाई, जगह पे से हटाई तो इधर आकर सो गया। टी शर्ट भी फेंक के दे दी थी, बोले लो जल्दी उठो और पहनो जल्दी, मेरे को जाने का, उठो। अरे उठो ना यार, जाना तो सबको है। अरे मेरे को काम है कुछ, जाना सबको, मेरे को मालूम है सबको जाने का है। चलो ना मज्जू यार, अपना काम खुद कर ले। ऐसा याद रखो, अपना काम खुद करने का तो फिर बहुत भारी पड़ जाएगा तुम्हारे को। नहीं, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। ठीक ठीक गाइस, याद रखना अपना, मेरी खुद की बॉडी करता हूँ। छी यार, मतलब मेरा वजू है अभी, फालतू की बात मत करो। सो गाइस, मेरे को जाना है जरा एक जगह पर, मजा का थोड़ा खर्चा कराने के लिए। कभी नहीं कराते। क्या बोले? कभी नहीं कराते हो? अरे आज उठो ना, चलो ना। देखो ना, टी शर्ट विशर्ट भी निकाल के रख दी मैंने, लो खाली मुंह धो और चलो आके खाना नाश्ता करना, जो करने का। गंदा समझेगा मेरे को। नहीं, पर तुम अभी नहीं नहाएंगे, तुम आके खाना पहले। चलो तुम नहाएंगे तो तुम बहुत लंबी कर देंगे। चलो ना मजी, चलो जाएंगे ना। जा, मेरे को जाने का, मैंने कॉल की थी तो बोले मैं 10 मिनट ही। तुम्हारे लिए गद्दा भी लेने का है, अपने लिए गद्दा भी लेने का है। अरे सब बाद में लेंगे, पर पहले अभी चलो मेरे को जहाँ जाने। गद्दा लेके आते पहले, नरम वाला पहले ना, मेरे को जहाँ जाना है वहाँ। चलो, मेरी बात हुई है, 10 मिनट ही है, वो भी मेरे वजह से रुके हुए। चलो, देख रहे गाइस कितना मेरे को मस्का मारने लगाते हैं आदमी। तुम्हारा काम है सुबह सुबह उठ गया तो उठ जाओ ना, क्या हो गया। चलो तो फिर आके नहाओ, नमाज पढ़ो। चलो जल्दी उठो। तो चलो गाइस, मदर को उठाती हूँ, मेरे को कहाँ जाने का, मैं डायरेक्ट वहाँ जाके। नहीं उठ ही जाओ, उठ ही गया नहीं, उठ के बैठो और टी शर्ट पहनो, मुंह धो, चलो इंशाल्लाह। मगर अगर मेरे को जहाँ जाने का, अगर 10 मिनट में वहाँ नहीं पहुँचे और अगर चले गए ना अंकल, तो तुम्हारे को बहुत भारी पड़ जाएगा। जाने का क्या गाइस, मैं जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जा रही हूँ कहीं कुछ चीज की तैयारी करने, तो मैं आ चुकी मास्टर के पास मेरे कपड़े देने के लिए। तो गाइस कुछ आने वाला है, तो मेरे को तो अभी से एक्साइटमेंट है। क्या बोलते है ना, तुम्हारा क्यों मुंह उतरा हुआ है? हर महीने कुछ ना कुछ रहता है। तो क्या कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने हमारे त्यौहार आते हैं, तो क्या कर सकते हैं। त्यौहार के अलावा भी त्यौहार निकल जाता है। तो गाइस, मैं आई हूँ मास्टर जी के पास मेरे कपड़े सिलवाने के लिए, तो वो आपको आगे मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ के लिए कपड़े सिल रहे हैं और क्या चीज़ आने वाली है। तो गाइस, फटाफट मास्टर से कपड़े सिलवाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कहाँ से मिलेंगे लोग से? चलो तुम्हारा भी ले लेते हैं, जान लो, दिल छोटा मत करो। मास्टर जैसी देंगे क्या? नहीं, चलो आ रहे हो, तुम्हारा उनको दे देंगे। पाशा गिफ्ट करो। ठीक है, चलो आपको पाशा गिफ्ट करते, चलो जाके लेके आते मार्केट से। तो गाइस, मदर को मेरी तरफ से पाशा गिफ्ट, तो मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पे आ गए थे, फिर मैं नहाने चले गया, फिर नहाने के बाद वापस सो गया क्योंकि इसने सुबह सुबह बहुत जल्दी उठा दी मेरे को, और इसको कपड़े देना था क्योंकि ग्यारहवीं शरीफ आ रही, ग्यारहवीं शरीफ में पहनने के लिए, और दो तीन एक दो काम थे वो भी करना था, तो इसने जो कि मेरे को सुबह सुबह उठा दी, तो इसका रिवेंज तो लेना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन से मेरे को सुबह जल्दी उठा दी है, और इतने दिन से गाइस ब्लॉग भी नहीं आया क्योंकि आगे आपको बताएंगे हम लोग कि क्यों नहीं आ रहे थे ब्लॉग व्लॉग, तो थोड़ा समझ के चलना कि 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं आया, तो आज भी हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि मेरे को इंस्टा पे भी मैसेज आते हैं अगर ब्लॉग नहीं आते, तो लोग मैसेज करते हैं कि भाई क्यों नहीं आया, क्या हो गया, सब खैरियत। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, लेकिन कुछ रीज़न के वजह 3-4 दिन ब्लॉग नहीं आए मम्मी। तो अभी ना मैं राहिला के साथ एक छोटा सा प्रैंक करने वाला हूँ, तो उसका रिएक्शन देखते, पहले तो मेरे को लग रहा मारेगी, तो आप लोग को भी पता चलेंगे कि मैं क्या प्रैंक करने वाला हूँ, हल्का फुल्का प्रैंक, ऐसा वैसा नहीं। तो अभी मैं जाता हूँ रायला उनके बेडरूम में, तो अभी जाता हूँ उसको थोड़ा सी मतलब एड़ा बनाता हूँ, एड़ी तो है थोड़ा और बनाता हूँ। तो गाइस, ये रहा रायला का सरप्राइज, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला कि उसके बाद प्रैंक करने वाला हूँ, तो जो प्रैंक है वो आप लोग अभी आके देखो। तो मैं अभी वो बेडरूम में जाता हूँ और आप लोग को बताता हूँ रायला के एक्सप्रेशन, और मज़ा आने वाली देखो तुम लोग। तो अभी मैं रुको, 5 मिनट रुको, देखता हूँ रायला का। राहिला क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग चालू कर दिया, ब्लॉग चालू कर दिया आज का मैंने, तो मैं नहा के निकला और चालू कर दिया। वेरी गुड।
है ना, क्योंकि तुम तो सो जाते हो। हाँ वो तो मैं भी था तुम्हारे साथ, इसके लिए तो सुबह सुबह तुमने जल्दी उठा दिया मेरे को तुम्हारे कपड़ों के चक्कर में। तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को बोला कि रायला को एक चीज नहीं मालूम है कि मैंने ऐसा बोला व्लॉग में कि रायला का एक गिफ्ट जो बाकी था तो मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। रायला पहले कुछ लाया क्या बोला था? 16 क्या? 16 तो गाइस ये समझ गई यार सच्ची लाया तो मस्ती कर लग रहा है तेरे को मस्ती लग रहा है दो तो गाइस रायला को देखो कितनी खुश हो रायला कितनी खुश हो रही है 16 का नाम सुन के। अभी चाहिए तो बोलो। तो गाइस रायला ने थोड़ा थोड़ा मतलब उसका सरप्राइज समझ गई है तो अपनी बात हुई थी लेकिन बोला था कि एक दो महीने में इंशाल्लाह। तुमने पहले जब जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन मैंने तुमको बोला तो तुमने मेरे को क्या बोला नहीं अभी नहीं थोड़े दिन बाद लूंगी। तो फिर भी मैंने सोचा कि जान दे अभी भी फिर भी मेरा दो महीना है हाथ में तो मैं तुम्हारे को दो महीने के उन्होंने टाइम मांगा तुमसे तो मैं लेके दे सकता तुमको इंशाल्लाह। जो गाइस अभी रायला ने जो सोची थी और जो बोल रही है वो रहा ये देखो मस्ती लग रही है। हाँ, ये मोबाइल लेना नहीं ले तुम्हारा 16। तो गाइस रायला को उसका 16 मिल चुका है। सच्ची बोलो सच्ची बोलो तो हाथ में हाँ मंगाया था ना महमूद भाई। सच्ची है हाँ गाइस रायला कितनी खुश हो रही है। 14 तुम्हारा 16 मेरा। हाँ ये ला मैं ले लूंगा अभी। अच्छा ठीक है खोलो तो सही खोलो ना। थैंक यू गाइस इसकी खुशी देख रहे हो मुझे सच्ची। अरे खोलो तो सही यार खोलो खोलो ये गाइस रायला ने मेरे को गिफ्ट दी थी आज वो निकल गए गाइस इसका फेस देखो इसका फेस बोला था ना मेरे प्रैंक तो लगवानी पड़ेंगे तुमको पार्ट से हेडशॉट पड़ गया रायला को। मंगाया हूँ या तो प्लानिंग कर रहा था ना इधर दे तो इधर दे तो मत करो तुम्हारे को 14 मेरे को चाहिए भी नहीं आईफोन का शौक ही नहीं। तो गाइस मेरे को मम्मी और रायला ने गिफ्ट दिए थे मोबाइल रमजान में देते मैंने अभी तक नहीं खोला वैसे की वैसे पड़ा हुआ और वो रायला को चिपका रहा था अभी मैं चाहिए क्या अब प्रैंक किया था दिलाना तो पड़ेगा। वैसे भी तुमने मेरे को क्या बोले थे कि मत दिलाओ मैं बाद में मेरा मोबाइल देखे थोड़ा दिल टकमगा गया था मोबाइल का कलर उसका टाइटेनियम टाइटेनियम भी अच्छा उसका। तो गाइस मैं तो उसका बोला था उसी टाइम कि ले 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 इसने मना की थी। सच में भी लाएंगे ना तो भी इतना खुश नहीं होंगे समझे यार। तो गाइस बस इतना थोड़ा इले चाले करने का था मेरे को कि दो दो चार दिन तो ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे और नेचुरल प्रैंक करने वाला नेचुरल प्रैंक बोलते हैं उसको नेचुरल प्रैंक कर रहा था या यही मजा ही तुम्हारे चेहरा देख के मेरे को मेरे को हंसी क्या कंट्रोल किया पहले तो क्या बोला यार ये जब कॉलिंग तब मजा आएंगी। तो गाइस कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आपको ये छोटा सी प्रैंक
अब कमेंट में जरूर बताना। और ये मोबाइल तो मैं यूज करूंगा इंशाल्लाह, कि मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। तो तुम ले लो ना, तुम ले तुम्हारा है, चालू करो। हाँ, नहीं नहीं, और हाँ गाइस, हर ब्लॉग में मैं एक दो चार ब्लॉग छोड़ के बोलता ही हूँ कि जो भी दुनिया में हो रहा है, जो भी हो रहा है फलस्तीन में, लेबनान में, और जहाँ भी दुनिया भर में, जिधर भी अपने इधर इंडिया में भी हो रहा है, जहाँ भी जो भी हो रहा है गाइस, उन सबके लिए दुआ करो कि मस्जिद शहीद कर रहे, दरगाह शहीद, उन सबके लिए दुआ करो गाइस। और अल्लाह सबको हिम्मत दे और सब एक बन के रहे, भाई तुम भी यही चाहते। और गाइस बस सबके लिए दुआ करो, हर दुनिया भर के हर मोमिन मुसलमान के लिए दुआ करो। और बस गाइस यही बोलूँगा, और ख़ास तौर पे ईरान के लिए भी दुआ करो कि अल्लाह उनको और हिम्मत दे कि वो सब गरीबों के लिए जो जो बेचारे बेघर उनके लिए लड़ रहे। तो गाइस बस मैं इस बारे में ज़्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन जितना हो सकता है मैं बोलता हूँ, क्योंकि मालूम है कभी कभी लोग फिर ये सब करके यूट्यूब बंद कर देते, लेकिन यूट्यूब बंद कर देते हैं, मतलब वीडियो वो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये सब नाम सुनते तो डिलीट कर देते, तो मेरे को वो नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबके लिए दुआ करो, अल्लाह सबको अच्छा रखे, सबको अपनी हिफाजत में रखे। और बस ये प्रैंक कैसा लगा आप लोग बताओ मेरे को, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का खाना हो गया, और जैसे कि मेरे को एक बात आप लोग को बताना था कि हम लोग ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि गाइस रायला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरी भी थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे, ना कुछ काम के लिए मैं जा पा रहा था। तो गाइस बस दुआ करो, अभी इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू ब्लॉगिंग करेंगे। और बस इतना ही बोलना था। रायल और वो सीलिंग भी आज तो वो मैं वीडियो में नहीं ले पाया था, सीलिंग ना रायला के टकले पर लग जाती थी, लेकिन बच गई रायला, तो मैंने वो निकाल दी, क्योंकि सीलिंग वैसे जो आप लोग को बताया था कि जो टूट गई थी, तो वो और मतलब नीचे आ गई थी कि टूट जाएगी, तो मैंने वो निकाल दिया, ऊपर चढ़ गया, या तो सीलिंग को लग जाते, रायला को लग जाता था, सीलिंग को लग जाता था। क्या कर रहे हो तुम ये? बोलो क्या? तो अभी कल हम लोग गाइस देखते हैं, कल भी अच्छा कुछ इंशाल्लाह बनाने मिले तो आप लोग को बताएंगे। और अपना ये वेट ब्लॉग पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कैसा थोड़ा ग्रो करे, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हम लोग को बोलते हैं कि भाई कुछ बाहर का भी बताओ, तो इंशाल्लाह हम लोग अभी चीज़ पे सब पे वर्क करेंगे, और बहुत सी चीज़ें आप लोगों को बताओ सब चीज़ पे वर्क कर रहे हैं हम लोग। और इसी के साथ ये ब्लॉग भी यही एंड करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।